हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं विकी मलिक और आप देख रहे हैं वीएम टॉक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप कैसे एक ही नंबर से दो मोबाइल में व्हाट्सएप चला सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है मैंने कंप्लीट आपको डिटेल्स से बताया है कि आप कैसे एक नंबर से दो मोबाइल में व्हाट्सएप चला सकते हैं। तो उस जिस ऐप को आपने डाउनलोड करना है उस ऐप का जो लिंक है मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपकी बहुत हेल्प होगी। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको तो पता है मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपकी बहुत हेल्प हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है वेब प्रो के नाम से, आपने जो है वो सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सर्च कर लिया, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसका जो लिंक है मैं इस वीडियो की जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको जो आसानी हो इसको तलाश करने में या डाउनलोड करने में। उसके बाद आपने इसको सिंपली ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आप पहला जो है स्टेटस सेव, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो नंबर 4 पे स्कैनर का ऑप्शन है, आपने इसको क्लिक कर लेना है। तो आपने इसको क्लिक करने के बाद थोड़ी ही टाइम में ये आप देख सकते हैं नीचे ये स्कैन हो के यहाँ पे आ गया है। तो इसको आपने क्या करना है, आपकी जो व्हाट्सएप है, और जैसे कि हमारा मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास जो व्हाट्सएप है आपने उसकी 3 डॉट पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करके आपने लिंक डिवाइस पे चले जाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिवाइस है इसके ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक करके फिंगर, अगर आपका सिक्योरिटी है तो आपने कर देना है। तो जो मोबाइल जिसमें आपने वो ऐप डाउनलोड की है वो उसका बारकोड आपने क्या करना है, यहाँ पे स्कैन कर लेना है। ठीक, जैसे ही आप स्कैन करते हो तो जो आपका ये व्हाट्सएप है आप बिना OTP बिना किसी चीज़ के उस ऐप में चला जाएगा। तो जैसे ही इस ऐप में आ जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली बैक चले जाना है। जब बैक ऑटोमेटिक ये चल जाएगा, उसके बाद आपने कभी भी देखना है तो आप उसको स्कैनिंग, आप कभी भी मैसेज देखना चाहते हो तो आप उसी स्कैनर ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करें और आपके जितने भी मैसेज हैं आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मैं ऐसी ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो है लेके आता रहूँगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।